और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर मिल रही है लखनऊ से, जहां अमित शाह ने प्रदेश वासियों को बधाई दी है। तो प्रदेश वासियों को गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है, यूपी स्थापना दिवस पर प्रदेश वासियों को बधाई दी है। धर्म, ज्ञान और अद्भुत शौर्य की भूमि है यूपी। अमित शाह का कहना है कि यूपी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं, प्रदेश ने अपने गौरव को पुनः प्राप्त किया है। भाजपा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश वासियों को अमित शाह ने बधाई दी है यूपी स्थापना दिवस की। शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि धर्म, ज्ञान और अद्भुत शौर्य की भूमि है यूपी। यूपी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। अमित शाह ने यूपी स्थापना दिवस पर प्रदेश वासियों को बधाई दी है। बधाई देते हुए कहा है कि धर्म, ज्ञान और अद्भुत शौर्य की भूमि है उत्तर प्रदेश। प्रदेश ने अपने गौरव को पुनः प्राप्त किया है। भाजपा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध है। अमित शाह ने प्रदेश वासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी है। अमित शाह ने बधाई देते हुए कहा है कि प्रदेश ने अपने गौरव को पुनः प्राप्त किया है। भाजपा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध है। और संवाददाता शाहिद सिद्दीकी हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं। शाहिद, अमित शाह ने प्रदेश वासियों को यूपी स्थापना दिवस की बधाई दी है और कहा है कि धर्म, ज्ञान और अद्भुत शौर्य की भूमि है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल रीतु, आज अमित शाह जी ने ट्वीट करके यूपी दिवस की यूपी वासियों को बधाई दी है। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव, इसको देखते हुए लगातार अमित शाह यूपी के दौरे पे भी रहे और यूपी को बहुत भली भांति जानते हैं। यूपी दिवस पे उन्होंने बधाई दी और धर्म, ज्ञान, शौर्य की भूमि यूपी को कहा है और उसको प्रणाम भी किया है। इसी के साथ प्रदेश के अपने गौरव को पुनः प्राप्त किया जाएगा। भाजपा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कोटिबद्ध रहेगी, ऐसे वर्ड जो है वो ट्वीट में रहे हैं, जिससे साफ है कि अमित शाह यूपी में आते जाते रहते। 2022 का चुनाव है और आज यूपी दिवस है। बहुत शानदार से यूपी दिवस उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है, जिसको देखते अमित शाह ने ट्वीट करके यूपी के निवासियों को मुबारकबाद और बधाई दी है। जी बिल्कुल, शायद आप बने रहे, आपके पास फिर लौटेंगे।